कुल मिलाकर के गवर्नमेंट जा रही है परमानेंट नियुक्तियां करने, और पूरी तैयारी हो चुकी है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों उनके लिए, चाहे बीएड वाले हैं या बीटीसी वाले हैं या डीएलएड वाले हैं या बीपीएड वाले हैं या स्पेशल बीएड वाले हैं, विशेष बीटीसी वाले हैं, जितने भी लोग हैं, सारी जी तैयारी लगभग कर चुकी है गवर्नमेंट। और ये जो मैटर चल रहा था राजस्थान वाला बीएड वर्सेस बीएसटीसी जी वाला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पे। हेलो, हेलो सर जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं बनिया से बोल रही हूँ, विभा सिंह बहुत शोर है आपकी तरफ। जी। कह रहे हैं सर जी कि जैसे मेरे साथ जो मेरे साथ जुड़ी हैं, मैं उन लोगों को आपके बारे में बताई हूँ, शिक्षा मित्र जो हैं, तो सर वो लोग बता रहे थे कि थोड़ा कई दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ, लग नहीं रहा था, तो वो लोग कह रहे थे कि तुम पूछो ना, आपका वीडियो लोग देखती हैं, तो कि जो अनौपचारिक वाला सर दे रहा है ये क्या है, मतलब वो जो अनौपचारिक से शिक्षा मित्र उस समय की बनी है जी, तो यही कह रहे थे कि तुम सर से यार बात करो, तुम बात कर लेती हो, हम लोग कैसे बात करें थोड़ा, तो हम कहें ठीक है प्रयास कर रहे हैं, अगर लग जाएगा तो मैं सर जी से पूछूंगी। उन लोगों को सर ये लग रहा है कि कहीं हम लोगों को निकालेगी तो नई सरकार बिल्कुल निकालेगी, 100% निकालेगी। अब एक चीज बताइए, जी। आप किसी घर में रहती हैं ना, कोई ना कोई घर होगा जी आपका। अब आपको एक नया घर आप बनवा लीजिए बड़ा सा, उस घर में आप जाएंगी रहने के लिए, तो क्या आप इस घर में भी रहेंगी? नहीं सर एक समय में एक ही जगह रहेंगी ना आप, जी तो जब आपको नए घर में जाना होगा तो इस घर को छोड़ना पड़ेगा। जी भले आप इसको रखिए, आते जाते रहिए, वो अलग बात है, ये एग्जाम्पल हमने घर का लिया, यहाँ तो दूसरा मैटर है। तो ऐसे सरकारी जी नौकरी में जब आपको एक जगह से उठाकर दूसरे जगह गवर्नमेंट करने का प्लान की है, तो जैसे समायोजन हुआ था, जी समायोजन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, इस्तीफा लिया गया था कि नहीं? तो जी आप लोगों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वहां पर हुआ था ना समायोजन, जी तो क्यों इस्तीफा लिया गया था ये बताइए। सर, उसमें अब नया पद मिल गया, शिक्षा मित्र वाला छूट गया, मिल गया, रिजाइन, पहले मिला या पहले इस्तीफा लिया गया? पहले रिजाइन दिया गया उसके बाद वो मिला, ज्वाइनिंग हाँ, बाद उसके बाद मिला। एक व्यक्ति एक ही पद पर हो सकता है, तो जहाँ है उस जगह को उसे छोड़ करके तभी दूसरी जगह जाना होगा, जाने से पहले वो जगह छोड़ना पड़ेगा ना। जी आप अगर जिस भी घर में रहती हैं, नए घर में अगर आपको अभी जाना है, तो इस घर को छोड़ेंगी, निकलेंगी बाहर तभी तो जाएंगी। जी तो सर उन लोग हर तरह से, जैसे जैसे मैं बताई हूँ, वो लोग वीडियो आपका सुनती हैं और वो भी करती हैं, तो सर उन लोगों का थोड़ा ये था ना कि जैसे सर जैसे अभी सामने नहीं आया रिजल्ट, तो लोगों को लगता है कि ए ये पगला गए लोग, कहाँ सरकार कर रही है, देखिए, और एक जो मिनट एक जबकि मिनट 40 कम से कम सर 40 लोग हैं मेरे अंडर में, वो सब जब मैं भेजती हूँ उन लोगों को मैसेज, मतलब ये करती हूँ जो आता है और बताती हूँ, तो वो लोग ना बहुत मतलब ठीक है, संतुष्ट है, तो उन लोग अनौपचारिक कुछ कुछ उसमें से हमको लग रहा है कि हैं, तभी वो फोन करके कह रही थी कि थोड़ा ये एक बार अनौपचारिक, पहले आप बताइए अनौपचारिक क्या है? सर, बहुत पहले एक ये स्कीम था उसमें लोग अनौपचारिक सब कार्य करते थे, तो जिस समय शिक्षा मित्र की भर्ती निकली सर ना, उसमें अनौपचारिक के लिए वो छूट था कि जो अनौपचारिक हैं वो शिक्षा मित्र का पद एक ले सकते हैं जी। आप अनौपचारिक शब्द का अर्थ समझती हैं? नहीं सर मुझे तो हर चीज का नाम रखा जाता है, कोई नाम दिया जी जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसका कोई अर्थ होता है। जी तो उसे के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है सर, तो वो और जैसे सब कुछ जी जैसे शिक्षा मित्र रखा गया, तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ शिक्षा का सबको पता है, मित्र जुड़ जी गया यानी कि सहायता करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। मित्र क्या करता है, आपका मित्र आपकी सहायता ही तो करता है, आपके कोई भी समस्या हो या कुछ भी हो उसमें हेल्प करता है, आपको जब जरूरत जी होती है तो अपने मित्र के पास आप जाते हैं। तो वैसे ही नाम रखा गया शिक्षा मित्र, ऐसे ही होते हैं पशु मित्र, तो वहाँ वो पशुओं से संबंधित काम उनसे कराया जाता है, उनको जो भी हेल्थ या अन्य जो भी चीजें होती हैं वहाँ। तो नाम रखते समय कुछ अर्थ के साथ रखा जाता है। तो ऐसे ही दो तरह की चीजें हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, जी ठीक है? तो जी ये सारी चीजें जो रखी गई हैं अनौपचारिक और औपचारिक, तो जो चीजें हैं पहले से औपचारिकताएं हैं, जैसे कोई एडमिशन बच्चा लेने आया स्कूल में, कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, उसके कुछ डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, है ना? जी
कुछ औपचारिकताएं बनी हैं और कुछ अनौपचारिक तौर पर ऐसे ही आपने उनसे जानकारी मांग लिया, पूछ लिया कुछ चीजें, वहां जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ कह दिया दिखा दीजिए या बता दीजिए बस। जी तो औपचारिक अनौपचारिक उसमें न उलझिए आप लोग, वो क्या जी चल रहा है उस पर मत ध्यान दीजिए। सिंपल सा जितने भी संविदा हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। आप उठा करके एग्जाम्पल देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ सारे पद निकाल दिए गए, परमानेंट भरे जा रहे हैं। अब इस वर्ष वहाँ पर जब नियुक्तियाँ हो जाएंगी ये, तो संविदा पर टीचर वहाँ नहीं रखे जाएंगे। वहाँ पर हर साल निकाल दिए जाते हैं संविदा वाले, और फिर से इंटरव्यू होता है, फिर से लिए जाते हैं। यही चीज अब यहाँ भी होगा कि जितने भी लोग पहले से संविदा पर हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं या जो भी, इनको अब जो है गवर्नमेंट हटाएगी, परमानेंट पद निकाल के उनको भरेगी। भरने की क्या प्रक्रिया होगी हम लगातार बताते रहते हैं। जी सर, वो तो सब वो लोग भी देख रहे हैं, मतलब वो तो 10-15 दिन से वो बोल रहे थे कि थोड़ा एक बार एक शब्द सिर्फ सर से पूछूंगा, सर का फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, मैं एक बार बात कर लूंगी, अगर होगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट जा रही है परमानेंट नियुक्तियां करने, और पूरी तैयारी हो चुकी है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों उनके लिए, चाहे बीएड वाले हैं या बीटीसी वाले हैं या डीएलएड वाले हैं या बीपीएड वाले हैं या स्पेशल बीएड वाले हैं, विशेष बीटीसी वाले हैं, जितने भी लोग हैं, सारी जी तैयारी लगभग कर चुकी है गवर्नमेंट। और ये जो मैटर चल रहा था राजस्थान वाला बीएड वर्सेस बीएसटीसी जी वाला, चूंकि आप जी जानते हैं कि कुछ मैटर कोर्ट में अटके होते हैं, तो जिसके कारण जो है गवर्नमेंट मजबूर होती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। नहीं तो सर, हाँ, तो अब चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो या बीटीसी हो या कोई भी हो, है तो शिक्षा विभाग से संबंधित ना, जी कोई भी काम अटकेगा, एक अटकेगा, उसके वजह से सब प्रभावित होते हैं। कोई भी मुद्दा कोर्ट में रहता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का मुद्दा कोर्ट में, उसके वजह से अन्य काम भी प्रभावित होते हैं। जैसे जी 69 हजार भर्ती इतने लंबे समय से कोर्ट कचहरी आज भी चल रहा है, तो अब ये कोई कहे कि उसका नई भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुद्दे जब अटके रहते हैं तो नई भर्ती भी गवर्नमेंट निकालने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो नहीं कर पाती है, फंसते हैं मैटर। तो कहीं ना जी कहीं हर चीज एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे घर में अगर 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो एक बीमार होता है या एक के साथ कोई समस्या आती है, भले ही दूसरा नहीं बीमार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावित हर कोई होता है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं घर के आजकल। हाँ, प्रभावित हर हर किसी का कुछ न कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, हर कोई जो है उसमें उसमें लगा रहता है, परेशान होता है, चिंता करता है। तो ऐसे जी ही ये एक विभाग है, इसमें जहाँ कहीं जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। तो ये जो मैटर है राजस्थान वाला, इसका जजमेंट जी आने जा रहा है, फरवरी के लास्ट में बताया जा रहा आ जाएगा, तीसरे या चौथे हफ्ते में। जी तो जैसे ही जजमेंट आएगा, इसके बाद जो है नया जो सत्र शुरू होने वाला है अप्रैल से, हाँ, सारा प्रेस है तो अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है। जी। एडमिशन आप देखिए प्री प्राइमरी में शुरू हो चुका है, मार्च जितने भी में लोगों का पेपर ऊपर होता है, जो ये 5 और 4 और 3 वाले बच्चे हैं, इन लोगों का होता है, और नया सिरे से एडमिशन भी होता है उसी में, जैसे जो जैसे ही गार्जियन आते हैं। अभी देखिए एडमिशन शुरू हुआ है प्री प्राइमरी में, जो प्राइवेट स्कूल हैं जी उन पर भी आरटी एक्ट लागू होता है, और 25% सीट उनको भी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है। अगर 100 सीट है किसी प्राइवेट स्कूल में, तो 25 सीट उसमें से वो गवर्नमेंट जबरदस्ती उनसे भरवाती, भैया इस पर तुम फीस नहीं लोगे, इसमें निःशुल्क शिक्षा दोगे, जो भी ऐसे लोग हैं जरूरतमंद उनको इस 25 सीट पर भरो। तो अभी जो प्री प्राइमरी है उसके 25% सीट भरवा रही है गवर्नमेंट, 75% तो जी उनको भरना है खुद से, वो जाने कैसे भरेंगे। लेकिन जो 25% है गवर्नमेंट ने उसमें ऑर्डर जारी किया है, जितने भी विकलांग या इस तरह के लोग हैं उनको जो है एडमिशन पहले दो, वो भरवा जी रही है। सर, जो ये आप फरवरी और ये जो मार्च वाला जो उसमें बीच में आप डाले हैं जो कुछ उसमें की जो सुपर टेट और टेट का, तो सर एक बार ये 22 वाला टेट होगा क्या 23 में? 22 वाला टेट जो यूपी टेट जो होता है, देखिए जी यूपी टेट का प्राविधान जो बना है, वो साल में 2 बार का टेट जो है साल में 2 बार होना है, लेकिन ये बना है, कोई जरूरी नहीं है कि साल में 2 बार हो। आपने देखा होगा कोई ऐसा भी साल रहा है जिसमें पूरे साल में 1 बार भी नहीं हुआ है, जी और 2011 से अब तक यूपी के अंदर साल में एक ही बार यूपी टेट होता है, जबकि नियम है 2 साल 2 बार होने का। जी तो वो तो बन गया नियम, वो अलग चीज है, लेकिन धरातल पर क्या है, साल में 1 बार हो रहा है, वो भी बीच में कभी कभी नहीं हुआ है। ठीक है, जी किस तो कोई वाला सर 22 में हो? जी पिछले साल अगर 22 में नहीं हुआ, तो अब वो 22 भूल जाइए, अब कोई चीज 23 में होगा तो वो 23 का कहलाएगा। जी ठीक है, तो पिछला जी साल खत्म हो गया उसको भूल जाइए। अगर फॉर्म भराया गया होता 22 में, तो हम लोग कहते हाँ यूपी टेट 2022 वाला,
उसका फॉर्म भरवा लिए होते और पेंडिंग रहता मैटर, तो इसलिए 22 में तो फॉर्म भरवाया नहीं गया यूपी टेट का, नहीं सर, नहीं। तो अब 22 का नाम नहीं आएगा। जब भी नाम आएगा, अगर 23 में फॉर्म आता है तो वो 23 का होगा, ठीक है। जी तो इस पर ध्यान दीजिए कि जो पिछला साल निकल गया वो खत्म कहानी। और 2023 में 4 वर्षीय बीएड में एडमिशन होने जा रहा है, जी और 2 वर्षीय बीएड होता है उसमें एडमिशन, और ये जो डीएलएड में एडमिशन होता है वो अब नहीं होने वाला है। प्राइवेट में तो पूरी तरह से बंद होगा, हो सकता है गवर्नमेंट चलाती रहे अपना कुछ समय तक, ठीक है। जी और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम हर चीज पर चर्चा करते रहते हैं कि सबको समझे हर कोई, तो सब उसे समझ में आएगा। लेकिन लोग पूरा नहीं समझना चाहते, बस उनको लगता है मेरा कब होगा। हाँ सर, वो जैसे वो कह रही है ना कि सर ना जैसे बताते हैं उसके हिसाब से, देखो मार्च में हो जाएगा, इस दिन हो नहीं होता है अंदर। तो हम बताए कि 4 साल 5 साल का समय काट लिया आप लोग, मगर 2 महीने 3 महीने आप लोगों से नहीं मतलब कट अगर रहा मान है। ले अगर मान लीजिए मार्च में नहीं होता है, सपोज है, मान लेते हैं चला गया, अगर अगस्त में होता है तो उससे पहले क्या कुछ हमारे करने से जल्दी हो जाएगा क्या? नहीं सर, हमारे कुछ भी करने से या मरने से या जीने से कुछ सरकार को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने तरीका से जब समय होगा वो खुद घोषणा करेंगे करेंगे। जी एग्जैक्टली, आप लोगों का धरना 12 जनवरी को हुआ था, कुछ हुआ उससे? नहीं जी, अभी 20 फरवरी को फिर धरना बुलाया जा रहा तो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या कर, हम क्या है। चाहोगे, मूर्ति सुनती हो तो तभी तुमको तो समझ में नहीं आता है। 20 फरवरी को दो तरह के लोग होंगे, एक लोग होंगे जो घर बैठे होंगे, एक लोग जी होंगे जो धरना में गए होंगे। दोनों में से देख लीजिएगा किसको 20 फरवरी को नियुक्ति मिल जाता है, कौन सहायक अध्यापक बन जाता है, किसका 10,000 से मानदेय बढ़ जाता है। जिसका नहीं बढ़ किसी की जाएगा, जी, समझ लीजिएगा कि वो सही है। जी अब सेम रहेगा तो जब सेम है, एक व्यक्ति घर में बैठा है, एक व्यक्ति वहां पैसा खर्च करके गया है, तो अकलमंद कौन हुआ? जो घर अकलमंद तो घर बैठा बैठा है है वो ना, जी, जो हमें पता है इससे कुछ होना ही नहीं है, नहीं सर तो वो चीज करके क्या मिलेगा? आज तक इतने धरने हुए, इतना कोर्ट कचहरी हुआ, कोई फर्क पड़ा है कहीं? नहीं सर, नेता कितने लोग मर गए, कितने लोग का क्या साथ हुआ, कोई उसे कोई सरकार को फर्क नहीं है, सरकार को जो आपको, करना है खुद हाँ, करेगी सर। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, हम कई बार सुना चुके हैं, आपने शायद सुना भी होगा। जी दो भाई थे, बहुत ज्यादा चालाक थे दोनों, कितने चालाक थे वो आप बताइएगा लास्ट में, ठीक है। एक दिन बैठे हुए थे, गर्मी का दिन था, तो दोनों भाई जो है घर के बाहर बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, कड़ी धूप थी, तो उन दोनों भाइयों ने आपस में बातचीत किया कि भाई हम दोनों तो पेड़ की छांव में बैठे हैं, हमारा घर धूप में है, चलो जी इसको छांव में करते हैं। दोनों मिलकर ढकेलना शुरू किए, ढकेलते 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 सुबह से शाम हो गई, और शाम होने के बाद दोनों ने देखा हम लोग का घर छांव में हो गया, और दोनों ने एक दूसरे का पीठ थपथपाया, कहा भाई हम दोनों की मेहनत सफल हुआ, और खुशी खुशी पसीना पोंछते हुए चले गए। कितने चालाक थे दोनों। बड़े मूर्ख थे सर, घर तो हिलेगा ही नहीं वो जाएगा कैसे तो वो चालाक हैं या मूर्ख हैं? बहुत बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख है ना, लेकिन क्या ऐसा सच में उनका घर छांव में हो गया? नहीं वो छांव में, अपने समय, जी समय के हिसाब से अपना जैसे हाँ, वो अगर वो नहीं शुरू ढकेलते तो भी तो छांव में हो ही जाता ना शाम को, जी, शाम को तो होना ही शाम को तो छांव होनी ही थी। ये जो जी नेता हैं ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आओ चलो इनको हम मूर्ख बनाते हैं, चलो ढकेलना शुरू करते हैं, जिस जब छांव हो जाएगा कह देंगे हमने कर दिया। बात समझ में जी आई कि नहीं ये लोग क्या करते हैं? हाँ वो तो शुरू से ऐसा आप किए फेसबुक पर जाइए, एक अनिल सिंह नाम का है, जब देखेंगे जी पूरे साल चिल्लाता रहता है टीजीटी पीजीटी के लिए, और जब देखेंगे तब वो जो है इलाहाबाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के आगे खड़ा होकर के धरना वरना देता रहता, फोटो खिंचाता है दिन, जी मतलब साल में कम से कम 2500 बार धरना करता होगा। अब अगर कोई चीज गवर्नमेंट कर देती है तो उसका फेसबुक पढ़ेगा, लिखता है कि हमने करा दिया। जी तो क्या वास्तव में वो करा रहा है? नहीं सर, तीन सब हजार कुछ से 10,000 कौन से नेता ने करवाया? कोई नहीं, कुछ नहीं कराया, सब सरकार अपने उससे दी है और सरकार ने किसी पहले से प्लानिंग कर रखा था कि समायोजन जब रद्द हो रहा है तो क्या करना है, कितना देना है, और सरकार ने जब तय कर रखा था तो वो ही किया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, दरवाजे पे कोई है, गेट खोल लें, फिर आ रहे हैं। 5 मिनट्स लेटर। हाँ हेलो। हाँ सर तो सारी कहानी समझ में आ गई, ये नेता लोग क्या करते हैं, जी ये लोग पूरे साल कुछ न कुछ ड्रामा नौटंकी करते रहते हैं, कभी कहेंगे आओ धरना करें, कभी कहेंगे कोर्ट कचहरी के लिए ये करो वो करो, पूरे साल इनको नहीं पता है कि कैसे सफलता मिले, कुछ नहीं पता। विभाग में जाते हैं इस अधिकारी से उस अधिकारी से,
फला मंत्री सांसद विधायक से मिलते हैं, कोई इनको कुछ नहीं बताता है। पहली बात तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है सांसद विधायक या जो भी हैं। दूसरी बात, अगर किसी को पता भी होगा तो इनको क्यों बताएगा? आप नहीं सर, बताइए कि हम चले जाएं विभाग में तो क्या विभाग वाला हमें सारी जानकारी दे देगा? कोई भी हो, जी नहीं मगर देगा। सर जितने दिन से मैं आपसे जुड़ी हूँ, ज्यादा दिन से जुड़ी हूँ, उतने दिन से मैं देख रही हूँ सर कि जैसे मैं 2008 से इसमें जुड़ी हूँ शिक्षा विभाग में, आज तक कोई ये बात नहीं बताया। इससे जुड़ी जानकारी बहुत आप सटीक जानकारी बताते हैं, भले वो आज हो या कल हो। अब मैं यही सोचती हूँ, लोगों से बात करती हूँ कि सर को जानकारी ये मिलती कहाँ एक से चीज बताइए, जी। आपके घर में कोई बच्चा हो, उस बच्चे से आप कहिए कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, या कोई ऐसी चीज बताइए कि ऐसा करने से ऐसा होता है। अब बच्चे आपसे कहे कि आपको कैसे पता भाई ये चीज ऐसा तो हो रहा है, कैसे पता? तो क्या नहीं आप सर, जैसे वो मीटिंग हुई थी जो 72 घंटे मीटिंग हुई थी, एक बार और आप मीटिंग का डाले थे, तो ये जब पेपर में जब मैं ये बात बताई उन लोगों पर, मैं मैसेज कर देती हूँ, जो आता है उसको मैं भेज देती हूँ, जो आप जब डालते हैं मैं उसको हमेशा लगी रहती हूँ, उसको भेज देती हूँ सब पे, 340 40 है हमारे साथ, तो वो चीज सर वो सुबह पेपर में आ जाता है जो आप रात में डालते हैं। मैं 2:30 बजे तक वही मतलब देखती हूँ, वही आप डालते रहते हैं डालते रहते हैं, 5 बजे भी डालते हैं आप। हमें जब जो चीज मिलता है, अगर हम फ्री हैं, कोशिश करके उसी वक्त शेयर कर देते हैं। और हम जो चीज बता रहे थे, जैसे एग्जांपल हमने लिया कि एक बच्चा है, उसको आप कोई चीज कहती हैं, अब वो आपसे सवाल करे कि आपको कैसे पता, तो है एक कॉमन सी बात है, बच्चा है उसे नहीं जानकारी है। आप लेकिन बड़ी जी हैं, आपने उसको पढ़ा है, सीखा है, जाना है, लोगों से सुना है, आपको है जानकारी। तो अब नहीं सर, बच्चे को आप दुनिया में सबसे अलग हैं, सबसे सुनिए अलग सुनिए, बात हैं पूरी सर, सुनिए। और आप बहुत अच्छे हैं, इतने लोगों को आप संभाले हैं, और जिस दिन हो जाएगा सर जरूर आपसे लोग मिलेंगे, भाई हम भी मिलेंगे बिल्कुल आपसे। होगी आपने मुलाकात, हम आप वो बहुत चीजें उम्मीदें जगाई हैं लोगों के अंदर सर, बहुत लोग आपसे जुड़े हैं, ऐसे भी जो नहीं जुड़ पाए हैं वो आपका वीडियो देखते हैं, कम से कम 40-50 लोग तो मेरे साथ जुड़ी हैं, हाँ, तो इस इस उम्मीद वक्त में बैठी हैं और आपका वीडियो देखती हैं, जो नहीं करता है वो भी सर देखता है अच्छा, इस वक्त YouTube पर करीब 40,000 से ऊपर लोग हो गए हैं, तो वो तो जुड़े ही हैं। हम जी। आपको तो चीज बता जुड़ने से रहे हैं। अलग से जो आपका वीडियो देखते हैं, जैसे जो जुड़ नहीं पाए हैं उन लोगों को पता नहीं है, ये मैं भेज भेज के सबके पे भेजी हूँ, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, तो जितने लोग हम तो हर किसी से कहते हैं भाई, आप जितने लोगों को जानते हैं उनको ये जानकारी पहुंचाइए, और उनसे भी कहिए जुड़ने को, और उनसे भी कहिए कि आगे आने लोगों को भी जानकारी देते रहें, उनको भी कहें जुड़ने को। इसीलिए जी अब बताइए, व्हाट्सएप पर इस वक्त 150 ग्रुप चल रहे हैं, जी इतने सारे ग्रुप में मैसेज डालना आसान नहीं है, नहीं लेकिन सर फिर भी हमारे ये नए नए ग्रुप हम अक्सर बनाते रहते हैं। किसके लिए बना रहे हैं? सर, 2 दिन अगर इसलिए ना। मैं 2 दिन जी 2 दिन अगर मैं नहीं डालूंगी आपका ये वीडियो या जो मैसेज है, तो कहेंगे अरे तुम्हारे सर डाल नहीं रहे हैं क्या, हम कहें अरे सर मैं डाले, मैं थोड़ा व्यस्त थी इसीलिए तुमको बयान नहीं भेज पाई। चलिए, तो कुल मिलाकर के हम उस वक्त ये कह रहे थे कि जो जी भी शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ होता है, एक एक जी चीज पर नजर रखिए, वो इसी दुनिया में रहा है। अभी आज जी भी करीब 80% लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी भी कोई चीज है, उनको ये नहीं पता कब आया। जी और सर कुछ लोग ये हैं कि जैसे पूछेंगे कि मतलब समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा पहले अभियान चलता था सर, और समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बोलेंगे तो लोगों को पता ही नहीं है। पता ही नहीं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान 5 वर्ष चला है, वो पूरा हो गया 5 साल योजना, फिर उसकी योजना के में जो जो प्लानिंग किया गया था उसको और बढ़ाया गया, और फिर से दूसरी बार ये समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। जी तो अब लोगों को यही नहीं पता सर्व शिक्षा अभियान क्या है, समग्र शिक्षा अभियान क्या है, दोनों में फर्क क्या है, कब क्या बजट पास हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया, उसमें क्या लिखा है, आरटी एक्ट कब आया, उसमें क्या लिखा है, कब कहाँ मीटिंग हो रही है, एक एक चीज पर नजर नहीं नहीं रखेंगे, और फिर कहेंगे कहीं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो सरकार कर नहीं रही है, सरकार तो सिर्फ अपना बना रही है, हम लोग आगे कर रहे हैं, ये बात है। तो हो इसी दुनिया में सब कुछ रहा है, अब हम अपनी आंख बंद कर लें, कुछ देखना ही ना चाहें। अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज हमारे घर तक लेकर के आएगी गवर्नमेंट, सब कुछ दिखाएगी, हमें वहां तक जाना होगा, देखना होगा ना कहाँ क्या हो रहा है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। अगर हम ये जानना है कि हमारे शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री जो है वो क्या कर रहे हैं, उनसे जुड़ना पड़ेगा, उनकी चीजों पर नजर रखना पड़ेगा। अगर हमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बारे में जानना है तो हमें उनसे जुड़ के रहना होगा, वो कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, अगर योगी जी क्या क्या कर रहे हैं वो जानना है, उनसे जुड़ना। तो हम तो कहते हैं ये लोग फेसबुक भी चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं, इन लोगों से जुड़िए ना डायरेक्ट आप लोग, ये लोग डेली फोटो वगैरह डालते हैं कहाँ क्या हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी इंडोनेशिया और न जाने कहाँ कहाँ घूम करके आए हैं, और ऐसा नहीं वो घूमने गए थे,
आज फोटो देखिए ना, वहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, वो डेली फोटो डालते हैं, फेसबुक फेसबुक पर हैं ये लोग, टेलीग्राम पर हैं ये लोग, आप इनको फॉलो कीजिए तो आप जो चीजें हमें मालूम है वो कहीं आसमान से नहीं आता है, इन्हीं लोगों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी क्या प्लानिंग है आगे। और ऐसा नहीं कि हर चीज वो बताएंगे ही, कुछ चीजें वो समय आने पर बताएंगे, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह बढ़ रहे हैं, आप जो लगातार देखेंगी कि ये चीजें हो रही हैं, तो उससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है उसमें से ये चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये होने जा रहा है। जी, और सर जैसे ये कोर्ट से आ जाएगा आदेश, जजमेंट आ जाएगा, तो उसके बाद मतलब कुछ आगे वाला कार्यक्रम? ये फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में, जब भी जजमेंट आ जाएगा, इसके बाद जो एडमिशन वगैरह शुरू होंगे, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है बच्चों की संख्या पर, ठीक है। अभी तक जो अनुपात था वो पूरे प्रदेश का अनुपात था, आपने जब भी आंकड़े पढ़े होंगे कहीं भी तो बताया जाता है कि पूरे प्रदेश में इतने बच्चे हैं, पूरे प्रदेश में इतने सहायक अध्यापक हैं, इतने शिक्षा मित्र हैं, इतने बच्चे हैं, इतने टोटल शिक्षक हो गए, तो ये अनुपात हमारा पूरा हो गया, बल्कि हमारे यहाँ टीचर अधिक हो गए, लेकिन वो अनुपात पूरे प्रदेश पर बता रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है कि अनुपात जो होगा वो हर स्कूल में हर कक्षा के अनुसार होगा, यानी कि एक स्कूल है वहां पर 1 से 5 तक की कक्षाएं चल रही हैं, तो पहला तो हर कमरे में एक शिक्षक होना चाहिए, जबकि अभी ऐसा है नहीं। आपके स्कूल में कितनी क्लास कक्षाएं चलती हैं? सर 5 कक्षाएं हैं, तो उसमें टीचर 3, 2 सहायक अध्यापक हैं सर, और 2 शिक्षा मित्र और 1 हेडमास्टर। हेडमास्टर तो पढ़ाते नहीं है, सारी लोग पढ़ाते हैं सर। और इसमें अगर कोई छुट्टी चला गया तो अब एक क्लास को 2 लोगों को देखना पड़ता है, 1 शिक्षा मित्र है जो बीमारी रहती है थोड़ी, तो 2 ही 3 लोगों को देखना पड़ता है 5 क्लास में से। कि हर कक्षा के लिए अलग अलग कमरे हैं? जी, हर कक्षा के लिए अलग अलग कमरे कब से हुए हैं, कितने साल से हैं? सर जब मैं वहाँ पे गई थी उसके पहले से है वो पूरी कक्षा, तो पहले से। क्या क्या सभी स्कूलों में ऐसा है कि हर कक्षा के लिए अलग अलग कमरा? नहीं सर, और इसके पहले जिस स्कूल में मैं थी, इसमें तो मैं समरजन में आई हूँ, इसके पहले मैं जहाँ थी सर वहाँ पे बस 2 रूम थे, और आगे थोड़ा सा बरामदा टाइप में बीच में ऑफिस था। वही चीज सर, ऐसे स्कूल है। हाँ, वही चीज आप, हम बार बार लिखते हैं कि योजना चल रही है पिछले 6 साल से कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसके लिए बजट जारी हुआ था अलग से, और अभी भी लगातार बजट दिया जा रहा है। यानी कि जैसा आप बता रही हैं कि इसके पहले वाले स्कूल में सिर्फ 2 कमरे थे और कक्षाएं वहाँ 5 चल रही थी, लेकिन उन्हीं 2 कमरे में सारे बच्चे, सर एक ही क्लास में 1, 2, 3 बैठता था, 4, 5 एक क्लास में बैठा था, इतनी दिक्कत थी। तो मगर बच्चे वहाँ पे सर नहीं थे, ये सर था कि एकदम बच्चे ही नहीं थे वहाँ पे। तो हमारे यहाँ अगर ज्यादा है सर, मान 1, 2, 3 में माने, 3ों में 5-5 बच्चे हैं, तो क्या सबको एक ही चीज पढ़ाएंगी? नहीं सर, हर कक्षा के का किताब अलग है, सिलेबस अलग है, भले बच्चे कम हैं लेकिन कमरा तो अलग होना चाहिए ना, उसकी पढ़ाई अलग है ना। जी, कमरा तो भी सर अलग है, और जो ये निपुण भारत लक्ष्य का जो ट्रेनिंग हुआ है सर, इसके मुताबिक सर बहुत बदलाव हो गया है। तो वही चीज आपको हो गए सर लोग पढ़ाने के लिए, अब अच्छा। 1, 2 और 3 कक्षाओं का सर हर 1 हफ्ते 2 हफ्ते पे टेस्ट होता है, आते हैं लोग व्यक्ति से, इतना पढ़ाई है, 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ना है। जी, और भी मोबाइल से कुल मिला करके 2-3 चीजों पर ध्यान दीजिए कि पहले कमरे नहीं थे, कमरे की व्यवस्था हर जगह की गई, जहाँ पहले कुछ जगह थे कुछ जगह नहीं थे, लेकिन अब लगभग सब जगह हो गए हैं, कुछ जगह अभी बनाए जा रहे हैं। अब अलग अलग कमरे हो गए, तो अगर आपके स्कूल में सारे शिक्षक हैं, लेकिन क्या हर स्कूल में 5 शिक्षक उपलब्ध हैं? नहीं सर, हर जगह तो एक जगह कहीं एक ही शिक्षा मित्र है, तो कहीं 2 ही शिक्षा मित्र संभाल रहा है, और शिक्षा मित्र कहीं सहायक अध्यापक हो गए, कहीं एक ही हेडमास्टर संभाल रहे हैं 5 कक्षा को। एग्जैक्टली, तो अब जब हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना, ये लगभग लक्ष्य पूरा होने वाला है। दूसरा लक्ष्य अब जो है, जो योजना है वो है कि हर कमरे में 1 शिक्षक, यानी कि वहां पर बच्चे एक कक्षा में भले एक ही बच्चा हो, लेकिन उसके लिए अलग शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि वो किसी और के साथ बैठाएंगे तो वहां पढ़ाई संभव नहीं है। तो अब हर कमरे में अलग अलग शिक्षक, ये योजना शुरू होगी। तो जाहिर सी बात है कि हर कमरे में जब चाहिए तो शिक्षक और रखने होंगे। और इसके बाद अगर कोई ऐसा भी स्कूल है जहाँ पर 1 कक्षा में 30 से ज्यादा बच्चे हैं, ऐसे भी हैं स्कूल बहुत सारे जहाँ एडमिशन ज्यादा हुए हैं,
तो 30 से ज्यादा बच्चे हैं एक एक कक्षा में, तो सेक्शन बनाए जाएंगे। तो ये सब योजना इस वर्ष से शुरू होगी। तो अभी एडमिशन पिछले साल हुआ था, लक्ष्य रखा गया था जो भी, तो उस उतना बच्चे हो गए थे एडमिशन। अभी इस साल फिर रखा जाएगा, एडमिशन फिर बढ़ेगा, तो और भी टीचर बढ़ेंगे। यानी कि जो भी योजनाएं हैं सब समग्र शिक्षा अभियान में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, हम बार बार चर्चा भी करते रहते हैं, पढ़ने की कोशिश कीजिए, सब उसमें लिखा है। तो ये सब योजनाएं शुरू करने जाए गवर्नमेंट। सर हमारे यहाँ प्री प्राइमरी के भी बच्चे कम से कम 30 बच्चे आते हैं सर, प्री प्राइमरी के। जैसे जो प्री प्राइमरी अब चलेगा इसमें, वो बच्चे सर एक दो में अपने भाई बहन के साथ आते हैं, ऐसे भी आते हैं बच्चे अच्छा वो अच्छा वाले। तो अब प्री प्राइमरी शुरू हो गया है। प्री प्राइमरी में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन गवर्नमेंट आरटीई एक्ट के तहत जारी, वो शुरू कराई है, उसके लिए गवर्नमेंट जीओ जारी हो चुका है। इसके बाद अब गवर्नमेंट स्कूलों का शुरू होगा, पहले जी प्राइवेट में करवा रही है गवर्नमेंट निःशुल्क जी वाला, अब इसके बाद गवर्नमेंट स्कूलों का एडमिशन शुरू होगा प्री प्राइमरी में। और लगातार अखबार में न्यूज आ रहा है कि जो है किट वगैरह खरीदे जा रहे हैं बाल वाटिका में, बच्चों को खेल खेल में सिखाना है, जी और खेल खेल में। बुक भी अब दो के बच्चों का एकदम अब मतलब भारी वेट वो नहीं करना है, हल्का वही तो हाँ, एक ही अभी ये कल का रहेगी। न्यूज है, कल हमने डाला भी था कि जो है नया सिलेबस तैयार हो गया है एनसीएफ, वो कक्षा दो तक के लिए सिर्फ दो किताबें ही रहेंगी, कम से कम बोझ बच्चों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना है। तो उसका भी सिलेबस वगैरह तैयार हो गया है, तो पूरी तैयारी चल रही है प्री प्राइमरी की। इस साल एडमिशन एक तरफ होगा, जैसे एडमिशन हो जाएगा इसके बाद सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो इधर इस साल का है, ये सब ये यही इन्हीं महीनों में सब कुछ होना है। एक तो हो गया ये कोर्ट से मैटर हल होना, ठीक है, और उसके फिर बाद कम से कम फरवरी लास्ट या मार्च के पहले वीक में तक आ जाए ऑर्डर कोर्ट हाँ से। हाँ हाँ और एडमिशन और नया सेशन शुरू हो रहा है अप्रैल से। तो अब बस गवर्नमेंट या तो एडमिशन के बाद या एडमिशन के साथ घोषणा कर दे, उसी का इंतजार करना है बस। तो जैसे इतना हो गया वैसे थोड़े समय और, ज्यादा ज्यादा कितना लेट हो जाएगा, इस साल हर चीज होना ही है। तो तो जानते हैं सर कि आप ना कि लंबा समय कट जाता है और कुछ दिन समय अगर डेट आप रख दें तो वो कटता नहीं है, लगता है आज आ जाए कल आ जाए, ये सब हो जाता है ना सर। ये तो बात सही है कि अगर लंबा समय है, 1 महीने बाद कोई चीज होना है, तो 1 महीना धीरे धीरे कट जाएगा। लेकिन जिस दिन वो दिन आ गया, तो अब सुबह से शाम तक अगर कहा जाए इंतजार बस रह गया, तो वो इंतजार नहीं हो पाता है, क्योंकि करीब है ना एकदम, अब लग रहा है अब हो जाए तब हो जाए। तो अब चूंकि करीब आ गए हैं, 2023 में ही होना है, और हर कोई समझने लगा इस बात को, हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। तो अब लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो उत्सुकता बढ़ती जा रही है लोगों की कि कब जी होगा, बहुत बस ज्यादा हो जाए। चिंता बढ़ गई है और कई लोग हमसे वो लगाई हैं कि अगर हो गया तो तेरे को ये वो हार ये मतलब नहीं होता है अपना आपस में। अरे हाँ चलो हमारे पोस्ट पर मैसेज में बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं कि सर ये चीज जो अगर हो गया तो पहली सैलरी हम आपको देंगे, जी और न जाने क्या क्या लोग मैसेज करते रहते हैं। तो सर, एक चीज तो आपके अंदर है जो भी हो आप मतलब सब लोग तो अपने लिए करते हैं, आप कितना दूसरों के लिए किए हैं, कितने दूसरे लोगों को मतलब मोटिवेट कर दिए हैं आपके एकदम, आपके लिए एकदम बहुत लोगों है। और जिस दिन सर हो गया उस दिन तो सारे लोग आपसे मिलेंगे। हम तो अपनी तरफ से जानकारी शेयर करते हैं। अब वो बातें किसी को अच्छी लगती हैं, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव माइंड है उनको अच्छी नहीं लगती। जैसे अभी एक ऑडियो हमने डाला था एक शिक्षा मित्र का। हाँ एक दिन आप बात कर रहे थे सर, आप कोई यादव था गोरखपुर का क्या था हाँ तो, हाँ सर वो फोन ही नहीं हो रहा था, मैं कहूँ सर आप क्या बात कर रहे हैं, इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यादवी भाषा में सर बोल रहा था, वो बात आपसे नहीं कर रहा था, यादवी भाषा में बोल रहा था, कुछ है यादव की जो उस भाषा में बोलते हैं, तकलीफ तो कर दिए ये क्या सरकार करेगी। अब वो फ्रस्ट्रेट थे, हालांकि कभी कभी गुस्सा आता, मन तो करता है कुछ उल्टा सीधा इनको बोल दिया जाए, लेकिन हमें पता है कि ये परेशान व्यक्ति है, तभी फोन किया है और तभी इस तरह की बातें कर रहा है। तो जी खैर गुस्सा तो बहुत हमें भी आता है, कभी कभी होता क्या है कहीं कमेंट वमेंट में कभी हम भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो लिख देते हैं उल्टा सीधा, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं होता है किसी को बुरा भला करें, क्योंकि हर व्यक्ति बस एक ही चीज चाहता है कि उसे जो है पेमेंट अच्छा मिलने लगे, तो वो अपने घर परिवार स्थिति परिस्थिति को संभाल सके। तो कहीं ना कहीं वो परेशान है, तो हमारा बस प्रयास यही होता है कि चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे बीएड हो, हमारा दुश्मन तो कोई है नहीं, नहीं हम सर इसीलिए हम हर किसी की बात करते हैं। नहीं तो आप देखेंगे शिक्षा मित्र बीएड वाले से जलन रखता है, बीएड वाला शिक्षा मित्र से रखता है पता नहीं क्या है, जबकि कोई नहीं किसी सर वो पर तो गलतफहमी है सर, ये तो शुरू से ही हुआ था सर कि ऐसे नहीं हो पाएगा, बिना टेट के कैसे होगा, ये ये तो सारा शुरू से चीज, जी ये जो एक दूसरे के प्रति जो है गलत भावना जो है, वो ये पिछली नहीं सरकारों का बोया हुआ है। जी हुआ क्या कि बीएड वाले जो है टेट पास किए, वो उम्मीद लगाए हमें नौकरी मिलेगी, हो गया समायोजन। तो
बीएड वाले थोड़ा सा जलन रखने लगे शिक्षा मिस से। अब हुआ भी तो जी गलत हुआ, तो बीएड वाले चले गए थे कोर्ट, तो अब जी समायोजन हो गया रहे, तो शिक्षा मित्र उनसे गलत भावना रखने लगे। लेकिन सारा गड़बड़ी किया किसने, एक दूसरे से लड़ाया किसने, सरकारों ने ना। तो इसमें बीएड वाले ने न शिक्षा मित्र का कुछ लिया है, न बीटीसी वाले ने शिक्षा मित्र का कुछ लिया है, न शिक्षा मित्र ने बीएड बीटीसी वालों को कुछ लिया है। वो तो गवर्नमेंट ने जो किया दिया या लिया, जो भी गवर्नमेंट ने किया या कोर्ट ने किया, लेकिन क्या है कि लड़ाने वाला काम ये सरकारों का होता है। पिछली सरकारों ने जी लड़ाया, लेकिन अभी जो है लड़ाने के बजाय सबको रास्ता बना करके आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट कि आपस में भैया मत लड़ो। इसी वजह से शिक्षा मित्र को 1-2 जो नॉन टेट वाले हैं उनको प्राइमरी से सीधे प्री प्राइमरी कर दे रही है कि भैया सर, जहाँ पर कम से कम सर 90-95 हज़ार होंगे शिक्षा मित्र जो नॉन टेट हैं, 90-95 हज़ार हाँ, लगभग। 1 लाख से थोड़ा कम ही होंगे, अब जो भी हों, 90 हों, 95 हज़ार हों, 80 हज़ार हों, 85 हज़ार, जो भी इसी के रेंज में है लगभग। तो थोड़े समय की और बात है जहाँ ये सब हो जाएगा, जो जो बता रहे हैं हो जाने के 4 महीने 6 महीने बाद देखिएगा, ये सारी पुरानी चीजें हर कोई भूल चुका होगा, सब आगे अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए होंगे, अपनी अपनी नौकरी कर रहे होंगे, पुराना मैटर सब खत्म हो गया होगा। एक ही स्कूल में शिक्षा मित्र, जो 15 हज़ार शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बने हैं, अब क्या वो अपने आप को शिक्षा मित्र वाली कहीं बात करते होंगे? नहीं, अब वो सहायक अध्यापक वाली बात हर जगह करते होंगे। सर वो तो जैसे नहीं होता है एक गुरु टाइप में, अगर कहीं सामने वो है हमारे नए पंचायत में एक जन, उनका सर हुआ था, हुआ है, तो सिस्टम थोड़ा उनका कुछ अलग था सर, लड़के थे और उसकी जगह पर मतलब अब दूसरा बात था सर वो, तो ऐसे करते हैं कि मतलब देखते हैं थोड़ा अजीब सा उनका व्यवहार रहता है, बोलते नहीं है अब तो देखते हैं तो बोलते हैं पंडित जी हैं कि सर जी नमस्ते करें, ठीक है मैडम, ठीक है चलिए, तो कोई बात नहीं। नहीं तो कुल सर मिला करके अब वो शिक्षा मित्र वाली समस्याओं से, वो धरना कोर्ट कचहरी या सरकार ऐसी वैसी, इन सोच से बाहर दूर हट चुके हैं। अब वो शिक्षा मित्र अपने साथ वालों से ही देखिए किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जी, अब अभी एक ही नया पंचायत है सर, अशरा ब्लॉक में हमार नया पंचायत है अच्छा, तो अब वो किस गुट में चले गए, सहायक अध्यापक वाले गुट में, अब उसके अनुसार हर चीज उनका नजरिया हो गया। तो इंसान जी। जहाँ रहता है उसके हिसाब से नजरिया बनाता है। तो वही 4-6 महीने बाद जब हो जाएगा नियुक्ति, ये सब उसके 4-6 महीने बाद, फिर देखिएगा कि कोई भी पुरानी बातें करेगा ही नहीं कि 3 हज़ार देते थे कि 10 हज़ार देते थे, तो कोर्ट ने क्या किया, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, योगी ने क्या किया, अखिलेश ने क्या, ये सब खत्म हो चुका होगा। सर एक फिर चीज और है सर, आपसे एक चीज और पूछना है, जैसे सर ऐसे होने लगेगा तो मैं जिस विद्यालय पे हूँ उसके बगल में मैं कुछ दूर पे मकान अपना बनाई हूँ, उसको अमित नगर बोलते हैं सर, तो जो पहले के जो शिक्षा मित्र हैं हरजन बस्ती के हैं, तो वो सर उसी विद्यालय पे जहाँ मैं गई हूँ समायोजन के तहत, उस विद्यालय पे पहले थे शिक्षा मित्र, और जब उनका समायोजन हुआ सर तो कुछ दूर चले गए, जैसे दिल्ली है, तो सर उनकी वाइफ उस पे आंगनबाड़ी है मेरे विद्यालय पे, तो सर उसी वो टेट पास हैं, और तो सर क्या अगर मेरे साथ देखा है बगल की एक ही नया पंचायत बोला जाता है नसरतपुर, तो सर जैसे ऐसे आएगा सर तो एक स्कूल पर कैसे 3 लोग होंगे, हमको लगता है कि सर वो इस एक विद्यालय मिनट से। एक मिनट एक मिनट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति खोलियो, उसमें लिखा है जी घर से 10 किलोमीटर के रेंज में कोई नहीं रहेगा। यानी आप अपने घर से 10 किलोमीटर सर्कल बना लीजिए, चाहे जी वो शिक्षा मित्र हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, या कोई, अपने घर के 10 किलोमीटर के आसपास वो फटक भी नहीं पाएगा, उसको कोई कोई स्कूल नहीं दिया जाएगा। जी सर जैसे ऑप्शन में 3 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें मैं जो पहला डालूंगी देखूंगी या 2 और अलग अलग डालूंगी, ऐसे सब विद्यालय करीबी हैं। तो कोई बात नहीं, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो घर अगर और स्कूल दूरी थोड़ी होगी भी, तो नौकरी करने के लिए लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, बाहर रहकर किराए पर भी लेकर के अपना काम करते हैं। जब आपको 40 हज़ार 50 हज़ार मिल रहा होगा, 35 हज़ार मिल रहा होगा, जो भी मिल रहा होगा, तो 500 हज़ार 2 हज़ार रुपये और खर्च होंगे, या तो आने जाने में खर्च होगा, या तो वहां लेकर के रूम रहने में खर्च होगा, तो उतना तो मैनेज करना ही पड़ता है। और एचआरए वगैरह मिलता ही है, हाउस रेंट वगैरह गवर्नमेंट देती ही है, तो फिर कहाँ दिक्कत है अगर कोई डेली आ रहा है जा रहा है या फिर। जैसे सर ये मेरे कहने का मतलब था कि जैसे पहले सुविधा अनुसार नहीं मिल जाता था विद्यालय, तो जैसे आप चाहें तो डाल सकते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ है रचना ब्लॉक है सर तो ऑप्शन तो लिया ही जाएगा, जी, उसके हिसाब से सर मिलेगा ना, ये पूछने का मेरा मतलब ऑप्शन था जो लिया जाएगा वो जिले का लिया जाएगा, जी। उस जिले में फिर आपको दिया जाएगा कि
ठीक तो है। बलिया जिला है सर, रचड़ा, इसमें रचड़ा ब्लॉक है, रचड़ा हाँ जानते हैं, बलिया जिला है, सर। रसड़ा भी जानते जी हैं, जी हमारा भी रिलेशन है वहाँ आप पर, हम भी आए गए हैं वहाँ। जी तो कुल मिलाकर के जैसे आपके बलिया जिले में आपने ऑप्शन डाला, पहले नंबर पर डाल दिया बलिया जिला, ठीक। दूसरे जी में अगल बगल वाले डाल दिए कि गोरखपुर, गाजीपुर या और भी कोई जिला आसपास का डाल दिया आपने, ठीक है। तो जी आपको अगर बलिया जिला मिल गया तो अब पूरे बलिया जिला में कहीं भी कोई भी स्कूल आपको दिया जा सकता है। अब ये सोचिए कि नहीं हमको बस यही वाला स्कूल मिल जाए, तो 100% इसकी कोई गारंटी नहीं है वही स्कूल। हाँ जिला मिल जाएगा अपना, इसके चांसेस काफी हद तक रहेंगे। जी तो मेंटली तैयार रहिए, ये सब मत देखिए कि कहाँ मिलेगा। अभी 10,000 मिल रहा है, अगर जो टेट पास हैं वो जब जो हो जाएंगे प्राइमरी में, और जो टेट नहीं पास हैं वो प्री प्राइमरी में, तो 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 मिलेगा। तो 4-5 हज़ार रुपये खर्च भी होंगे, तो भी तो अब जो वर्तमान स्थिति, इससे तो बेहतर स्थिति होगी ना। जी और वेतन जो मिलता है उसमें एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, ये सब जी भी मिलता है, और भी खर्चे मिलते हैं तरह तरह के, तो वो सब भी मिलने लगेगा। तो सिर्फ सैलरी नहीं रहेगी, वो भी रहेगा, प्लस इसके बाद सैलरी बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंट लगता रहता है। अभी सर जो प्री प्राइमरी में होंगे, तो जैसे सर इस विद्यालय पर तो दो लोग हम लोग हैं, तो दोनों लोग टेट मतलब पास हैं, तो टेट में नंबर कम होने की वजह से सर नहीं हो पाया मेरा। तो सर वो जैसे नहीं होता है सर, एक ही नए पंचायत में कई गांव छोटे छोटे होते हैं, एक ही नए पंचायत में आते हैं, तो वो नसरतपुर में है। तो सर नसरतपुर भी एक विद्यालय है और ये अब मंदा पंचायत आप दोनों लोग टेट सी टेट पास हैं, तो आप लोगों का प्राइमरी में हो जाएगा। अब प्राइमरी की जो प्रक्रिया जी चल रही होगी उसी प्रक्रिया में आप लोग भी होंगी, यानी कि जो भी टेट सी टेट पास हैं शिक्षा मित्र, वो अपने आप को अब शिक्षा मित्र में न देखें, वो बीएड, बीटीसी, डीएलएड वालों के समान अपने आप को देखें। दो तरह के न्यूज हम देते हैं, एक शिक्षा मित्र समायोजन, ठीक है, और एक हम जी देते हैं टेट पास। तो अपना आपको आप शिक्षा मित्र वाले में न देख करके टेट पास वाले में देखा कीजिए, और जी उसमें क्या चीजें बताई जा रही हैं, कैसे बताई जा रही हैं, उस पर ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। जी तो सर हम हर ग्रुप में हर चीज शेयर करते हैं, शिक्षा मित्र से भी संबंधित और अन्य से भी संबंधित, जो जिसके काम का हो वो चीज वो पढ़ ले, समझ ले, और अगर दूसरे का भी पढ़ रहा है तो और अच्छी बात है, उसकी जानकारी बढ़ेगी। सर सारा न्यूज मैं देखती हूँ, और जो बीच बीच में आप इंग्लिश वाला सब उच्चारण और वो सब बोलने वाला डाल रहे सर, मैं उसको मैं देखती हूँ और पढ़ती भी हूँ। जी हाँ को हमें जब भी समय मिल रहा है हम इंग्लिश का जी खास तौर पे, क्योंकि हाँ इंग्लिश का जी ज्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश में बड़ी जी प्रॉब्लम है लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश के जो है जब भी हमें समय मिल रहा है, जो कुछ हम बना सकते हैं बना करके आसान तरीके से उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आसान भाषा में उसको एकदम समझ में आ जाए, और वो चीजें जो हम अक्सर बोलते हैं यूज करते हैं, तो जी वो वीडियो देखते रहिए, और सिर्फ देखने से नहीं होगा, उस वीडियो को देखने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, नोट्स बना लीजिए, और उस वीडियो को कोशिश कीजिए कि हफ्ता 10 दिन, 15 दिन तक लगातार एक बार दो बार देखिए, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं कोई चीज़ याद होती है, नहीं सर उसको बार बार देख करके हफ्ता 10 दिन तक उसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा अभी जी एक लिंक हम फिर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, मंडल जी का जो है सुविधा के लिए, मंडल का एक अलग सा 18 ग्रुप बना बना हुआ है, ठीक जी है। तो जितनी सुविधा के अनुसार जो कुछ हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कर दे रहे हैं, तो वो लिंक अभी शेयर करेंगे। मंडल वाइज हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, जी उसको भी अगर आप होंगी पहले से तो अच्छी बात है, नहीं होंगी तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सर मैं मंडल वाले में नहीं हूँ, मैं ये जो आप टेलीग्राम ग्रुप है ना सर, मैं उससे जुड़ी हूँ। जी तो टेलीग्राम पर है ना, तो व्हाट्सएप पर अभी है कि नहीं, व्हाट्सएप पर सर व्हाट्सएप पे नहीं हूँ। तो जिस पर कॉल की है इसी पर हमको मैसेज करिए, हम लिंक दे देंगे। तो 18 जो है अनाउंसमेंट ग्रुप बनाए हैं अभी, उसका लिंक शेयर करेंगे आज, आज या कल करेंगे, ठीक है। जी तो आप मैसेज करिए, आपको भी वो लिंक दे देंगे, तो जी मंडल वाले में जुड़ जाइएगा। जी इसी व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगी सर। हाँ ठीक है, ये नंबर है 9453221786, जी इसलिए नंबर बोल देते हैं ताकि जो लोग नहीं जानते हैं नंबर तो वो भी सुनेंगे तो नोट कर लेंगे। तो सर इसमें मैं डालूँ तो उसमें आपका फोटो है, उसमें पुनीत केसरी करके है सर। हाँ वहाँ पर है, लगा हुआ, फोटो भी लगा हुआ है। जी चलिए तो और कुछ, नहीं सर बस यही पूछना सर, फोन उठाने के लिए बहुत बहुत हाँ तो धन्यवाद। जब भी फ्री होते हैं जिसका भी फोन आ रहा होता है हम उठा लेते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि कौन है कौन है, हम तो कोशिश करते हैं हर बार नए व्यक्ति से बात हो। अब कोशिश करके नए व्यक्ति से बात करने इसलिए कि नए लोगों के पास नए सवाल होते हैं, उनके अलग अलग, भाई हर किसी की समस्याएं अलग अलग है ना, जी सबके मन में अलग अलग तरह के सवाल हैं, तो नए लोगों से जब बात होती है
तो वो अपनी कोई समस्या लेकर के आते हैं, तो वो सिर्फ उनकी समस्या नहीं होती, उस तरह के और भी लोग होते हैं। जी तो सर 10-15 दिन से मैं लगातार प्रयास कर रही थी, एक दिन 10-11 बजे फिर कहीं नहीं नहीं सर सोए होंगे, डिस्टर्ब क्या, तो डिस्टर्ब क्या करूं, अच्छा चलिए तो कोई बात कभी नहीं। खाली रहती हूँ, हाँ हाँ खाली रहती हूँ तो फोन करती हूँ, हाँ थोड़ा तो सा यही अभी पूछनी फ्री थी। थे आपका, आपसे पहले एक किसी शमीम खान का कॉल आ रहा था, जा रहे थे उनका रिसीव करने, लेकिन जैसे हमने जी फोन उठाया रिसीव करने के लिए तब तक फोन कट गया, तो हम सोचे थे कि अब दोबारा आएगा तो उठाएंगे, उनका फोन नहीं आया, आपका आ गया, तो आपसे बात हो रही है। बहुत खुशी होती है आपसे बात कर, बहुत मतलब पॉजिटिव वो लगता है कि नो नहीं होता है सर, एक अब लोग कल सुनाएंगे तो बहुत खुश होंगी। जी दुनिया यही है, यही रहना है, यही जीना है, और इसी दुनिया में पॉजिटिव भी चीजें हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर हम पहुंच जाएंगे श्मशान घाट पर तो नेगेटिव नेगेटिव ही दिखेगा हर कोई, तो जी भैया सब तो यहीं आ रहा है मर के, फिर क्या करें पैसा कमा करके, हाय हाय किस किस क्यों करना, अंतिम में आना यही है, फिर साधु महात्मा बन जाइए, नहीं फिर आ जाइए, चले जाइए किसी मैरिज हॉल वगैरह में, देखिए वहाँ रोज इतने जो है प्रोग्राम हो रहा है, शादी विवाह हो रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो फिर होगा भैया जी दुनिया ये कर रही है, चले जाइए किसी कंपनी में कहीं पैसे वाले जगह पर जहाँ लेन देन चल रहा हो, ए भैया यहाँ तो एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, पैसा को जो है इधर से उधर कर रहे हैं, तो आप जी देखना क्या चाह रही हैं, हम देखना क्या चाहते हैं, तो जो चीज देखना चाहेंगे वो दिखेगा इस दुनिया में, तो जो लोग जी नेगेटिव से भी देखना चाहते हैं तो उनको वो जी नेगेटिव दिखता है हर तरफ, जैसे अब ये घटना हुई अडानी वाली है ना, तो जी आपने देखा होगा अडानी 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 हाय अडानी, तरह तरह के लोग लिख रहे हैं उनके बारे में, ऐसा किया वैसा किया, वो नेगेटिव लोग हैं, ठीक, पॉजिटिव लोग जो हैं वो इसको एक अवसर के रूप में देख रहे हैं कि अडानी के जो शेयर 4-4 हजार के थे वो इस वक्त मिल रहे हैं 500 रुपए में, 1,000 रुपए में, तो जो हमारे जैसे लोग हैं जो इसको अवसर के रूप में देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो भी पैसा है कहीं से जुटा करके उनके शेयर खरीद रहे हैं, लोग बेचकर भाग रहे हैं कि अडानी ऐसा है वैसा है, लेकिन जो जानता है इस चीज को वो इसको अवसर के रूप में देख रहा है कि भैया इस समय सस्ते में मिल रहा है ले लो, अभी जिसने भी लिया है 1,000 रुपए वाला शेयर उनका 1,800 रुपए होगा, फटाक से 1,000 का 1,800 बन गया कि नहीं बन गया, जी तो जो जानता है उसके पॉजिटिव चीजें उसने तुरंत 1,000 रुपए लगाया और आज 1,800 रुपए शेयर क्रॉस कर गया है, तो 800 रुपए मतलब एक हफ्ते के अंदर पैसा डबल हो गया कि नहीं हो गया, तो ये सब चीजें जो है नेगेटिव जो देखने वाला होगा तो वो कहे अरे यार बाजार तो एकदम गिर गया है, इतना हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं ये सब चीजें होती रहती हैं, कभी अडानी की वजह से मार्केट गिरेगा, कभी कुछ और होगा कुछ और होगा, अडानी आज नीचे हैं फिर कल ऊपर हो जाएंगे, ये सब चलता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचना होता रहता है, हर जगह होता जी है, छोटे छोटे स्कूल में हो रहा है, शिक्षा में तो बीएड वाले एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, वो तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अरबों खरबों का वहां व्यापार हो रहा है, तो अब जो नेगेटिव देखा वो खरीदा था 4,000 में, जब देखा हर कोई बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है, 3,000 हो गया, 2,000 हो गया, अब वो बेचारा खरीदा तो था 4,000 का, अब उसके दिमाग में आ गया कि नहीं ये तो डूब रही कंपनी, चलो बेचो, वो 2,000 में बेच करके निकल आया, भैया चलो कम से कम 2,000 मिल रहा है ना, तो क्या हुआ उसका नुकसान हो गया, खरीदा था 4,000 में बेचा 2,000 में, तो नुकसान हो गया, लेकिन अकलमंद इंसान क्या किया, बिल्कुल नहीं, शांति से बैठा रहा, देखा कितना गिर रहा है, गिरने दो गिरने दो गिरने दो, जब गिर के नीचे आ गया अब लगा कि इससे ज्यादा तो नहीं गिरेगा, अब वो खरीद रहा है, खरीद करके अब जान रहा है कि अब ये बढ़ेगा, फिर वापस 4,000 क्या वो 5,000-6,000 जाएगा, तो खरीद खरीद के रख रहे हैं लोग कि पैसा जो है कम समय में दुगना तिगुना हो जाएगा, हो ही गया, लोग जी एक एक दिन में पैसा दुगना कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मार्केट फिर वापस चढ़ने लगा, हमें देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव में हम क्या देखना चाहते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीजें छुपी होती हैं, ठीक जी है, तो बस कहीं भी कुछ भी नेगेटिव दिख रहा है तो वो नेगेटिव नहीं है, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो रोने को तो रो लीजिए वो अलग बात है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, उसका भी अर्थ है, बस वही सच्चाई है, एक दिन सबको मरना है। एक दिन सबको मरना है, उसकी भी मौत हुई है, चाहे वो नेचुरल मौत हुई हो चाहे जैसे भी हुई हो, मौत हो गई तो जो कहा जाता है हिंदू धर्म में कि जो है एक जन्म के बाद दूसरे जन्म होते हैं, तो उसको इस रूप में भी देखा जा सकता है, या तो जी उसका दूसरा जन्म होगा, उसे अब एक नई लाइफ मिलेगी, इस तरह भी देख सकते हैं, हो सकता है उसको ये जन्म जन्म के जो जन्म और मृत्यु वाला है उस चक्कर से हो सकता है मुक्ति मिल गया हो, या हो सकता है और भी कुछ पॉजिटिव अगर खोजना चाहेंगे तो पॉजिटिव उसमें भी निकल आएगा, तो हर जगह पॉजिटिव है, बस अपने ऊपर डिपेंड करता है हम क्या देखना चाहते हैं, जी चलिए ठीक है रखें फिर। ठीक है सर, प्रणाम। अब वो जो अभी हमने कहानी सुनाया दो भाइयों वाला, वो जी कहानी जो है नेताओं की, जब कहीं बात हो वो कहानी सुना दीजिएगा हर किसी को, ये नेता वही जी करते हैं बस। जी
चलिए ठीक है, रखेंगे। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम।